सुन की पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हम अपने चैनल पर मैथ्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल के लिए किरण की बुक से। तो ये आपका टाइम एंड वर्क का दूसरा दिन होगा, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 20 तक। तो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 कि यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं तो 64 व्यक्तियों को वही कार्य 15 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। तो देखिए इसमें ये वाला फॉर्मूला लगता है M1D1H1/W1, जहाँ पे यहाँ मैन है, ये दिन है, ये घंटे हैं, इस तरीके से। अगर इफ़िशियंसी दी होती है तो इफ़िशियंसी भी यहाँ पे ले लेते हैं, बट वो दी नहीं गई है, इफ़िशियंसी आपकी ऊपर होगी, बाकी सब कुछ ऊपर होता है, केवल वर्क जो होता है वो नीचे होता है। तो पहले क्वेश्चन में देखिए कहा है उसने कि 80 व्यक्ति हैं तो M1 की जगह 80 हो जाएगा और किसी कार्य को 6 घंटे तो H1 की जगह 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 कहीं भी लिख लीजिए मल्टीप्लाई में, और 16 दिनों में कार्य को कर रहे हैं। कार्य दोनों तरफ सेम हैं तो एक एक रख लेते हैं, और सेम है तो कट ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने कहा है कि वही कार्य 64 व्यक्तियों के द्वारा 15 दिनों में अगर हमें पूरा करना है तो हमें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, मतलब H2 की वैल्यू आपसे पूछी है, यहाँ तो 1 ही हो जाएगा, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 16 और 64 में 16 चौक 64 हो जाएगा, 4 से अगर इस 80 को कट करते हो तो यहाँ पे पूरा आपका 20 हो जाएगा, फिर आप 5 से इसको कट करोगे तो 4 बार में जाएगा, ये पूरा 3 बार में जाएगा, और 3 से इधर 6 को कट करोगे तो 2 आएगा, तो 4 × 2 = 8 आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 8 घंटे आ जाएगा कि हमें प्रतिदिन 8 घंटे काम करना होगा, तो इसका आंसर 8 घंटे आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता है किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थित के कारण वह 110 दिनों में पूरा हो पाया, प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए। तो देखिए हमें नहीं पता है कि स्टार्टिंग में, उन्होंने कहा है कि एक कार्य है कुछ व्यक्तियों के द्वारा 100 दिनों में पूरा हो सकता है, तो मैंने मान लिया कि स्टार्टिंग में जो व्यक्ति थे वो M थे, उन्होंने उस कार्य को 100 दिनों में कर डाला। उसके बाद सेम वही कार्य है तो 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति में, मतलब क्या होता है कि 10 व्यक्ति कम हो जाते हैं, 10 व्यक्ति अगर कम हो जाते हैं तो वही कार्य 110 दिनों में हो जाता है, और कार्य तो दोनों तरफ सेम है तो W1 W2 सेम ही हो जाएगा। तो आपको पता है बस इसको सॉल्व करना है, और स्टार्टिंग में कितने आदमी थे वो पूछा गया है, M की वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ से अगर 0 0 कट हो जाएगा और यहाँ से आपका 10M आ जाएगा, और यहाँ इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा 11M और माइनस का 110 मतलब 110, इसको यहाँ पे लेके आओगे तो माइनस का M आ जाएगा मतलब 1M और माइनस का 110, तो ये कट जाएगा, तो M की वैल्यू 110 आ गई। इसका मतलब है स्टार्टिंग में आपके पास 110 आदमी होने चाहिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो 110 हो जाएगा। ठीक है, नंबर 13 देखते हैं कि 28 आदमी किसी कार्य के 7/8 भाग को 1 सप्ताह में पूरा करें तो शेष कार्य को एक अन्य सप्ताह में पूरा कराने के लिए कितने आदमी कार्य पर लगाने होंगे। तो पहले आदमी कितने हैं, 28 हैं, और किसी कार्य के 7/8 को 1 सप्ताह में करना है, दिन की वैल्यू आपको 7 दी गई है, और यहाँ पे कार्य आपको दिया गया है 7/8, कुल कार्य 8 है उसमें से 7 काम हो गए तो 7/8 काम पूरा कर लिया। फिर उन्होंने कहा शेष कार्य का मतलब क्या हुआ कि 8 में से अगर 7 काम हो गए तो बचा कितना, 1, कितने में, 8 में, तो यही शेष काम हो गया। इस शेष काम को उन्होंने कहा है शेष कार्य को अन्य सप्ताह में करना है, मतलब उसे भी 7 दिन में ही करना है, लेकिन कितने व्यक्तियों के द्वारा करा जाएगा वो काम, M2 की वैल्यू बस आपको यहाँ से बतानी है, तो यहाँ से 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, और इस 7 से ये 28 कट के 4 आ जाएगा, तो M2 की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा
चार आदमी लगाने होंगे कार्य पर, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि ए एक काम का 1/6 5 दिन में कर सकता है। देखिए, अगर 1/6, मैं ऐसे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ए एक काम को अगर पूछा तब तो आपको बताना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ए एक काम का 1/6 5 दिन में कर सकता है। देखिए, जो ए है वो अगर 1/6 आपसे कह रहा है कि 5 दिन में कर सकता है, तो आपको पता है अगर एक भाग आपसे कराना है तो आप 5 और 1/6 का इसमें क्या करोगे, उल्टा मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 30। तो आप डायरेक्ट जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे दिया जाए तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे देखना है कि ए किसी काम का एक ही भाग आपसे कराने को कहता है, तो 1/6 अगर 5 दिन में है तो जस्ट इसका मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा कर दो, तो 30 दिन में हो जाएगा। सेम उसी तरीके से उसने कहा है कि बी काम का 2/5 8 दिन में कर सकता है। देखिए, 2/5 8 दिन में कर सकता है, तो 8 का मल्टीप्लाई 5/2 से कर दीजिए, जस्ट उसके उल्टे से। तो 5/2 से करेंगे, जब 8 को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 से 4 तो 20 आ जाएगा। तो मतलब बी उस काम को 20 दिन में कर लेता है। फिर उन्होंने कहा दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब सिंपल सा क्वेश्चन आपको पहले जैसे करते थे वो बन गया, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, दोनों मिलके आप कराओगे तो 5 से करा दोगे, तो यहाँ पे 12 डेज मतलब 12 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 12 दिन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नंबर 15 में क्या कहा है कि ए एक कार्य 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य 5 दिनों तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो सबसे पहले तो 20 और 40 का एलसीएम 40 ही हो जाएगा, यहाँ पे 2 बार में, यहाँ 1 बार में। अगर वो मिलकर के 5 दिन काम करते हैं तो 2 और 1 3 की क्षमता से अगर काम करेंगे तो 15 काम वो कर डालेंगे। अब उनका काम बचेगा कितना, 40 में से अगर उन्होंने 15 काम कर लिया तो 25 काम बचा। उन्होंने कहा उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, तो शेष रह जाएगा 40 में से 25, बस यही शेष रह जाएगा। तो 5 को 25 को 5 से 1/40, तो उसका 5/8 भाग शेष रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन का यही सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, और बहुत अच्छी इसकी ट्रिक भी है, इजी क्वेश्चन है ये आपका। ए और बी मिलकर किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगते हैं। मतलब अगर मैं मान लूं कि ए प्लस बी को काम करने में डी डेज लगते हैं, तो जो ए है उसको डी से 4 दिन ज़्यादा, D+4 दिन लगेंगे। फिर आगे उन्होंने कहा है कि और बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे, किससे, डी से ही 16 दिन अधिक लग जाएंगे। तो अगर बी काम करता है तो उसको डी से 16 दिन अधिक लगते हैं। अब यहाँ पे देखिए पूछा है यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे, मतलब ए प्लस बी की वैल्यू मतलब डी की वैल्यू आपसे पूछी है। तो देखिए, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो कि जिसका आपसे पूछे बाकी के जो मेंबर हैं उसका कुछ ना कुछ ज़्यादा दे, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, बस जो ये एक्स्ट्रा वैल्यू होती है 4 और 16, इसको अंडर रूट करके मल्टीप्लाई करिए, यहाँ आएगा 16 चौके 64 और इसका अंडर रूट आएगा 8। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा, 8 दिन। अब ऐसा नहीं कि सब में 8 दिन ही हो जाएगा, हो सकता है आपसे पूछ देता कि डी कितने दिन में करेगा तो 8+4 आप 12 दिन में करेगा, बी पूछ लेता तो 8+16 दिन में करता, तो ऐसे आप बोल सकते हो। बट यहाँ से आपने इसे पूछा है कि ए प्लस बी कितने दिन में करेगा, तो मतलब डी की वैल्यू पूछी, और ये जो वैल्यू आपकी निकलती है ये आपकी वही डी की वैल्यू ही है। ये किसकी वैल्यू है, ये डी की ही वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर कितना आया, 8 दिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आया। ठीक है,
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? कह रहे हैं 5 घंटे प्रतिदिन काम करके ए कार्य को 8 दिन तथा 6 घंटे प्रतिदिन काम करके बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके वे दोनों मिलकर उसे कितने समय में पूरा करेंगे? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप इम्पॉर्टेंट लगाइए और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है, तो मैं यहाँ पे दिन ना मान करके इन सब के कार्यों को घंटे में निकाल लेता हूँ। देखिए अगर ए ने 8 दिन काम किया और प्रत्येक दिन वो 5 घंटे काम करता है, तो 8 को अगर आप 5 से गुणा कर दो, मतलब 8 दिन काम करेगा और प्रत्येक दिन 5 घंटे काम कर रहा है, तो टोटल मिला के 40 घंटे वो काम करेगा कि नहीं करेगा? तो समझ लीजिए जैसे पहले हम क्वेश्चन करते थे कि ए किसी काम को 40 दिन में करता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया ए किसी काम को 40 घंटे में करता है। उसी तरीके से जब बी को आप निकालोगे तो बी कह रहा है कि 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को 10 दिन में करता है, तो मतलब 60 घंटे में करता है। इतनी बात आपको दी गई। अब आप क्या करो, इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। तो 40 और 60 का एलसीएम आपका 120 होगा, तो यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, मतलब ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है। फिर उन्होंने क्या कहा है कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करके वे दोनों मिलकर उसे कितने समय में पूरा करेंगे, और आंसर देखिए आपका दिन में आया है और ये चीज़ आपकी घंटे में है, तो टोटल काम आपका 120 घंटे है। ठीक है, 120 घंटे है और दोनों को मिला के करना है, तो वो 5 की क्षमता से करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, और आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं। चीज को अगर घंटे से आपको दिन में बदलना है, क्योंकि आंसर आपको दिन में निकालना है और ये वैल्यू आपको घंटे में दी गई है, तो आपको 24 से डिवाइड करना होता है, लेकिन 24 से आप डिवाइड तब करोगे जब पूरे के पूरे 24 घंटे आप दिन में काम करोगे। यहाँ वो दिन में 24 घंटे काम ना करके केवल 8 घंटे काम कर रहा है, तो यहाँ से आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब नीचे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? बस यहीं पे क्वेश्चन में थोड़ा सा समझना है। अब आप क्या करोगे, इसको 8 से डिवाइड करोगे, 8 एक कम 8 बचेगा 4, 8 पंच 40 और ये यहाँ पे 5 3 15। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब दिन में आएगा, 3 दिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से लगा सकते हो। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? उसने कहा है यदि समान योग्यताओं वाले 2 व्यक्ति 2 कर्तव्यों को, मतलब 2 कामों को 2 दिन में संपन्न करें, 2 दिन में संपन्न करें, तो समान योग्यताओं वाले 100 व्यक्ति उसी प्रकार के 100 कर्तव्यों को संपन्न करने में कितना समय लेंगे? कुछ नहीं है, क्वेश्चन वही MDH वाला है। देखिए यदि समान योग्यता वाले, मतलब उनकी इफ़िशियंसी भी यहाँ पे दी है, तो यहाँ पे आपको M1 दिया है, D1 दिया है और E1 दिया है और नीचे W1 दिया है और M2 दिया है, D2 दिया है, E2 दिया है और W2 दिया है। उसने कहा है कि यदि समान योग्यता वाले, तो योग्यता समान है तो ये कट जाएगी, समझ गया बात को। 2 व्यक्ति हैं और 2 कर्तव्यों को, और काम कितने हैं, 2 कर्तव्यों मतलब 2 काम को, कितने 2 कर्तव्यों को 2 दिन में समाप्त करते हैं, 2 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो समान योग्यता वाले 100 व्यक्ति उसी प्रकार के 100 कर्तव्यों को कह रहा है कितने समय में समाप्त कर देंगे, मतलब D2 की बस वैल्यू पूछी है आपसे, तो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो वैल्यू आ गई 2, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2 दिन बस, और कुछ क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है, तो इसका राइट आंसर। इसको देखिए, कह रहे हैं कि यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए कार्य की 7 यूनिटें करते हैं, तो मतलब 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए कार्य की 7 यूनिटें करते हैं, तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए कार्य की कितनी यूनिटें करेंगे,
मतलब W2 की वैल्यू आपसे यहाँ पूछी गई है। तो यहाँ से इस 7 से इस 7 को कट कर दीजिए, यहाँ पे आया 7 × 7 = 49 और यहाँ पे आया 125 बटे, तो यहाँ W2 की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 125 बटे और ये उधर 49 नीचे आ जाएगा, तो बस आंसर इसका आ गया 125 बटे 49। ठीक है नंबर दोस्तों 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है बी और सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेते हैं ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। तो देखिए बी और सी जितना समय लेते हैं ए उससे 3 गुना समय अधिक लेता है। कहने का मतलब है बी और सी अगर समय ले रहे हैं एक तो ए समय लेगा 3। अगला कहा है ए और सी मिलकर उसी काम को करने में जितना समय लेते हैं बी उससे 4 गुना अधिक समय लगता है। ये अगर एक लेते हैं तो बी 4 लेगा। फिर कहा है कि बी उससे 4 गुना अधिक समय लेता है, यदि तीनों मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा करते हैं तो ए अकेले उस काम को करने में कितने दिन लेंगे। देखिए तीनों ने मिलकर के 24 दिन में किया है, अगर 24 दिन को तीनों की क्षमता से मल्टीप्लाई करा लें तो पूरा कार्य निकल आएगा, और उस पूरे कार्य को ए के द्वारा अकेले कराना है तो ए की क्षमता से डिवाइड करके हम निकाल लेंगे। अब हमको पता होनी चाहिए तीनों की क्षमताएं। यहाँ पे तो समय दिया गया है, आपको पता है समय और क्षमता का रेशियो जो समय और क्षमता जो होती है वो हमेशा एक दूसरे के उल्टी होती है। तो यहाँ पे B प्लस सी की समय एक है और समय A का 3 है, तो क्षमता उल्टा करके 3 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 1 हो जाएगा। अब एक बात आप ये समझिए इस तरीके के क्वेश्चन में कि यहाँ पे A B C है, तीनों है, तो 3 और 1 मिला के कितना हो रहा है 4, और यहाँ पे देखिए तीनों ही हैं और 4 1 मिला के 5 क्यों हो रहा है। तो बस इसको क्या करते हो कि अगर इसको हम 5 से गुणा कर दें और यहाँ पे इसको 4 से गुणा कर दें तो सब कुछ बराबर हो जाएगा। देखिए 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, 4 × 2 = 16, 4 × 1 = 4। देखिए 15 + 5 = 20, 16 + 4 = 20 हो गया। तो अब यहाँ से आपको पता चल गया कि ए की क्षमता कितनी है 5, बी की क्षमता कितनी है 4। तो अगर 5, 4, 9 और दोनों के मिला के 20 था तो सी की पता चल गया 11 है। अब उन्होंने कहा तीनों मिलकर वो काम को 24 दिन में कर रहे थे, तो 24 दिन में तीनों मिलकर कर रहे थे, दिन से अगर तीनों की क्षमताओं का मल्टीप्लाई कर दो तो ये काम निकल आएगा, तो ये टोटल हमारा काम हो गया। अब इस काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो ए अपनी क्षमता 5 से करेगा, तो 5 × 20 तो 4 × 16, 4 × 2 = 8 = 9, 96 दिन में बी अकेला उसे कर डालेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आ जाएगा 96 दिन। तो इस तरीके से आज आपके 20 क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और टाइम एंड वर्क के हम लोगों ने इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन कर लिए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं।